साउंड ऑफ ए, ए की ध्वनि। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में पांच वॉवल्स होते हैं, पांच स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आज हम ए के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम प्रोनंसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रोनंसिएशन चैप्टर में वॉवल्स के साउंड पे इस समय गौर कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए की ध्वनि के बारे में, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हेनेवर यू टेक ए एज अ लेटर इज प्रोनाउंस्ड एज ए, बट व्हेनेवर इट कम्स इन अ सेंटेंस इज प्रोनाउंस्ड एज अ, इट्स नेवर प्रोनाउंस्ड एज ए। इसका क्या मतलब है? जब भी ए किसी वाक्य में अकेले आता है तो उसका उच्चारण हमेशा अ होता है, न कि ए। आपके सामने दो सेंटेंस हैं। He is a good boy. A man is standing there. इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान दें तो ए को आपने किस तरह से प्रोनाउंस किया? आपने कहा अ, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है, बीच में या शुरुआत में। लेकिन कुल मिला के सेंटेंस में जब ए आता है तो उसको प्रोनाउंस करते हैं अ, ना कि ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल्स के तौर पे जिनमें ए का साउंड हो। ठीक है, ए किसी वर्ड में अकेले आया है तो ए का साउंड दे रहा है, ए के साथ आई लग के आया है तब भी ए का साउंड दे रहा है, ए के साथ वाई लग के आया है तब भी ए का साउंड दे रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब ए के साथ आई आएगा तो हमेशा ए का साउंड आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि मेनली ऑफन ऐसा होगा, यानी अक्सर ऐसा होगा कि जब ए के साथ आई आएगा लग के या ए के साथ वाई आएगा तो ए का साउंड आएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, देखिए, नेम गेम, पेन रेन, डे से। इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे ए, जब ए होगा किसी वर्ड में, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें ए प्रोनाउंस होता है, ए नहीं बल्कि ए, ये बड़ा वाला ए है, तो ए, ऐश, एट, मैन, मैप, गैस, एन। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह के कई एग्जांपल्स हैं, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है। जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाते हैं इस जर्नी में, आप कई ऐसे वर्ड्स से रूबरू होते जाएंगे जहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, पर ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें ए जब आता है तो ए का साउंड ए अ आता है, ए। देखिए एग्जांपल्स हैं, रेयर, यहां पर देखिए साउंड क्या है, ए अ, एयर, एयर, तो रेयर, डेयर, बेयर। इस तरह के वर्ड्स भी मिलेंगे आपको कि केवल ए आ रहा है लेकिन साउंड है एयर का। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, कब ए आने पे अ का साउंड आता है। एग्जांपल्स हैं, अलर्ट, अग्री, अजार। यहां पर आप देखेंगे कि ए का साउंड किस तरह का है, अ। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे ए आया तो उसका एक पर्टिकुलर साउंड होगा, बहुत अलग अलग साउंड्स होते हैं, कहीं पे ए होता है, कहीं पे ए हो रहा है, कहीं पे ए हो रहा है, कहीं पे अ है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, जब ए को आ प्रोनाउंस किया जा रहा है, आ। एग्जांपल्स हैं, ए आर ई आर, आफ्टर, फार, स्टार, आर्ट, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में देखिए सबसे लास्ट में ए आया, अकेले आया। अब यहां पर ए को कैसे प्रोनाउंस किया गया, आ, एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप ये समझ जाएं कि एक पर्टिकुलर लेटर कितने अलग अलग तरह के साउंड्स को जनरेट करता है। अब देखिए, ए के साथ डब्ल्यू आया या फिर ए अकेले भी आया तो देखिए वर्ड में ए की प्रोनंसिएशन है ओ, ओ। एग्जाम्पल्स, टॉल, हॉल, कॉल, ऑसम, ऑफल, ऑकवर्ड। तो इस तरह से आपने